आपको बताएं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का संयुक्त किसान मोर्चे ने स्वागत किया है। हालांकि किसान मोर्चे ने साफ कह दिया है कि किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आज महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि अभी किसानों की मांगे बाकी हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ऐलान पर हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा, तब तक चलेगा जब तक संसद में तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन की कुछ और भी मांगे हैं, जिसमें MSP पर कानून बनाना भी शामिल है। कई मांगे अभी सरकार ने मानी ही नहीं है। किसान आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब की 32 किसान यूनियन शामिल हैं। तो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 40 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। हालांकि जनवरी के बाद से ही सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। अगली रणनीति आंदोलन की क्या होगी, इस पर होगा विचार विमर्श। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से आंदोलन कर रहे किसान खुशी में झूम उठे। गुरु पर्व के दिन किया गया प्रधानमंत्री का ये ऐलान किसानों को अनोखा तोहफा दे गया। ऐलान के बाद किसानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। बड़ी अच्छी बात है, ये काम वो एक साल पहले भी कर सके था, जब इन्होंने करा था एक महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था, अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका, अब भी स्वागत है। उस मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का ऐलान पाकिस्तान के ननकाना साहिब तक सुनाई दिया। गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे से कानून रद्द किए जाने के फैसले की घोषणा की गई। देर शाम दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसानों ने पटाखे जलाकर कानूनों के रद्द होने की खुशी मनाई। ये मौका उनके लिए दिवाली से कम नहीं था। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद अगला रास्ता क्या है, क्योंकि BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन संसद में कानून रद्द होने तक जारी रहेगा। कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। यानी किसान नेताओं की माने तो दिल्ली की सीमाओं को आने वाली शीतकालीन सत्र तक छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे की रणनीति के लिए किसान संयुक्त मोर्चा आज एक बैठक करने जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक में संयुक्त मोर्चा आंदोलन के नए रास्ते तलाशने की कोशिश करेगा, क्योंकि आंदोलन की दो प्रमुख मांगों में से एक को सरकार ने मान लिया है, जबकि MSP पर गारंटी के कानून को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है। और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि MSP पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए, तो अगर MSP पे कानून हो तो MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है, अगर एक साल बाद में सरकार ने सुध ली है। किसान संगठनों और विपक्ष को ये लगता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है, और अब वो चाहें तो अपनी कुछ और मांगों के आगे भी सरकार को झुका सकते हैं। इसलिए वो MSP कानून के नाम पर आंदोलन को जारी रखने की बातें कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।